Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. वेलकम फ्रेंड्स, और आप लोग देख रहे हैं टेक्निकल मास्टर MST। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा, अगर आप लोग पोस्ट ऑफिस बैंक में अकाउंट है और किसी प्रकार आपका जो अकाउंट बंद हो चुका है, तो आप लोग KYC फॉर्म किस तरह से भर पाएंगे। तो इस वीडियो आपके लिए है। अगर इस फॉर्म को आप लेना चाहते हैं तो मेरा डिस्क्रिप्शन पर इस फॉर्म का लिंक दे दूंगा। इस फॉर्म को आप लोग प्रिंट कर सकते हैं, अदरवाइज आप लोग बैंक जाके भी इस फॉर्म को ले सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इस फॉर्म में क्या क्या फिल करना होगा, यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे एप्लीकेंट नेम, तो यहाँ पे ब्लॉक लेटर में आपका जो नाम है यहाँ पे आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे CIF ID नंबर जो आपका पोस्ट ऑफिस बैंक में पासबुक के अंदर फ्रंट पेज में है, तो यहाँ पे आपका CIF नंबर यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे अकाउंट नंबर, तो यहाँ पे अकाउंट नंबर अदरवाइज रजिस्ट्रेशन नंबर दोनों में से एक आप लोग यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे मेरे के यहाँ पे आप लोग अकाउंट नंबर यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर, ठीक है, यहाँ पे आपका सिग्नेचर यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे अकाउंट एप्लीकेंट टू यहाँ पे दिखा रहा है, अगर अकाउंट ज्वाइंट है तो आपको यहाँ पे ज्वाइंट वाला जो आपके साथ है वहाँ पे आपको यहाँ पे फिल करने पड़ेगा। उसके बाद उसका सिग्नेचर यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे नीचे चला आई है, प्लीज फिल द ऑल इन्फॉर्मेशन बिलो इन द केस ऑफ न्यू अकाउंट एंड ओनली रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन इन केस ऑफ द चेंज ऑफ KYC। तो यहाँ पे क्या करना है, नेम यहाँ पे आपको कैपिटल में यहाँ पे आपका नाम यहाँ पे लिखना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हाउस नंबर डालना है, अदरवाइज इसको छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद रोड यहाँ पे छोड़ दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको विलेज, टाउन या सिटी जहाँ में रहता है वहाँ पे आपको टिक करना है, और यहाँ पे आपका टाउन या विलेज का नाम यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे आपका पोस्टल जो कोड हो उसको आपको फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना है। उसके बाद यहाँ पे आधार नंबर, आपका जो आधार नंबर है यहाँ पे आपको लिखना है। उसके बाद लोकेलिटी, लोकेलिटी यहाँ पे आपका विलेज या आप जिस लोकेलिटी में रहते हैं यहाँ पे आपको फिल करना है। उसके बाद लैंडमार्क, आपका घर के आसपास जो लैंडमार्क है यहाँ पे आपको फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे आपका डिस्ट्रिक्ट फिल करना है। उसके बाद आपका स्टेट फिल करना है, अगर आपके पास ईमेल आईडी है यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद पैन कार्ड नंबर यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आई डू हेयर बाय सबमिट फोटो कॉपी ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पे आप लोग फोटो कॉपी ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट आप लोग डेट ऑफ बर्थ प्रूफ हिसाब से आप लोग आधार कार्ड दे सकते हैं, ठीक है। आधार कार्ड आपको सेल्फ अटेस्टेड करके इसके साथ आपको जेरॉक्स देना है। उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर करना है इस जगह पॉइंट पर, ठीक है, सिग्नेचर ऑफ द थर्ड पर्सन फर्स्ट एप्लीकेंट, तो इसके ऊपर आपको सिग्नेचर कर देना है फर्स्ट एप्लीकेंट की जगह में। अगर ज्वाइंट अकाउंट है तो इस जगह को आपको फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे एक फोटो आपको अटैच कर देना है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एक फोटो अटैच कर देना है। तो फॉर्म यहाँ पे आप लोग कंप्लीट करके इसके साथ आप लोग आधार कार्ड, पैन कार्ड का जेरोक्स आप लोग यहाँ पे सेल्फ अटेस्टेड करके इसके साथ ज्वाइन करके आप लोग बैंक में जमा कर देंगे, ठीक है। आई होप आपको वीडियो को पसंद आए, और वीडियो को पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह का ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।